नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों आज की जानकारी बेहद खास है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बबूल के फलियों के फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द, चाहे किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, इन सभी दर्दों को दूर करने की एक सबसे रामबाण औषधि के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है बबूल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बबूल एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सभी प्रकार के दर्द की कारगर औषधि है। दोस्तों इसकी टहनी का दातुन करने से पायरिया नष्ट होता है और दांत मजबूत बनते हैं। इसके गोंद का लड्डू बनाकर खाने से कमर दर्द दूर होता है और शरीर शक्तिशाली तथा मजबूत बनता है। बबूल की फलियां घुटनों के दर्द की एक रामबाण औषधि है। बबूल की फलियों में टैनिन एसिड तथा कैल्शियम पाया जाता है, जो घुटनों में लुब्रिकेंट्स और कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अगर आपके घुटनों में असह्य दर्द है या इसको बदलने की भी नौबत आ चुकी है तो ये प्रयोग एक बार जरूर करके देखें। दोस्तों अगर आप इस दर्द से परेशान होकर जॉइंट रिप्लेस करने की सोच रहे हैं तो यह प्रयोग एक बार जरूर करके देखें। दोस्तों यह प्रयोग प्राकृतिक और बहुत ही सरल है। प्रयोग बिल्कुल आसान है। बबूल की फलियों को तोड़कर लाए और साव में सुखाए। सूखने के बाद बीज सहित कूटकर पाउडर बनाए। दोस्तों ये तैयार हो गई आपके घुटनों के दर्द की दवा। अब रोजाना सुबह खाली पेट पानी के साथ एक चम्मच की मात्रा में सेवन करें। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। अगर बबूल की फलियों के साथ इसका गोंद मिलाया जाए तो ये सोने पे सुहागा के समान होता है। दोस्तों इसके प्रयोग करने से निश्चय ही घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। इसमें सावधानी रखने की बात है कि बबूल की प्रकृति गर्म होती है। इसका अधिक मात्रा में सेवन गुदा के लिए हानिकारक हो सकता है। अर्श और बवासीर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए एक सप्ताह तक इसका रेगुलर सेवन करें। बाद में एक सप्ताह तक रुक जाए, फिर अगले सप्ताह इसका सेवन शुरू करें। अगर ये आपकी तासीर के अनुरूप है और कोई नुकसान नहीं होता तो बिना गैप लगातार 3 मास तक इसका सेवन करें। अगर कोई समस्या लगती है तो प्रयोग तुरंत बंद कर दे या औषधि की मात्रा घटा दे। दोस्तों इस दवा से जोड़ों का दर्द तो ठीक होता ही है, साथ में हड्डियां भी मजबूत बनती है। दोस्तों बबूल की फलियां इतनी गुणकारी होती है कि अगर इसके चूर्ण का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो टूटी हुई हड्डी भी शीघ्र जुड़ जाती है। दोस्तों इसके साथ ही बबूल के गोंद को घी में तलकर खाने से या इसका लड्डू बनाकर खाने से और साथ में इसकी पत्तियों को गर्म करके सिकाई करने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।